उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में होली के पांचवें दिन रंग पंचमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक भगवान महाकालेश्वर के दरबार से सभी धार्मिक पर्वों की शुरुआत होती है। रंग पंचमी पर्व की शुरुआत भी भगवान महाकाल के आंगन से हुई। आज सुबह भगवान महाकाल के दरबार के कपाट खोले गए। इसके बाद सबसे पहले भगवान महाकाल को जल, सुगंधित इत्र, दूध, दही, शहद और फलों के रस से स्नान कराया गया। स्नान के बाद भगवान महाकाल का भांग, चंदन, गुलाल, फूल, काजू बादाम और किशमिश से श्रृंगार किया गया। इसके बाद हुई भस्म आरती। जैसे ही भगवान महाकाल ने भस्म से स्नान किया, इसके बाद भव्य आरती शुरू की गई। इस भव्य आरती में भगवान महाकाल को प्राकृतिक रंगों से स्नान कराया गया। इसके अलावा भक्त और भगवान के बीच भी जमकर होली खेली गई। रंग पंचमी पर्व पर भगवान महाकाल को टेसू के फूल और केसर के जल से स्नान कराया गया और फिर हुई भस्म आरती। आरती के दौरान मंदिर में उपस्थित सभी पंडितों और श्रद्धालुओं ने तड़के 4 बजे भस्म आरती में टेसू के फूलों से बनाए गए प्राकृतिक रंग से होली खेली। मंदिर में सभी श्रद्धालु रंगों में सराबोर नजर आए। बाबा और भक्तों ने पुजारियों के जरिए करीब 5 क्विंटल टेसू के फूलों से बने केसरिया रंग से मंदिर के गर्भगृह, नंदी हॉल, गणेश और कार्तिक मंडप में खूब होली खेली। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए जी मीडिया।